दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। आज हम टीवी यूनिट में वॉलपेपर किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो हम दिखाएंगे। हमारे साथ है अजमल जी, हमारे साथ है वो वॉलपेपर का इंस्टॉलेशन का वर्क करते हैं। तो अजमल जी हमको दिखाने वाले हैं किस तरीके से वॉलपेपर को टीवी यूनिट, यहाँ पे जो टीवी यूनिट रखा है वहाँ पे किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टीवी यूनिट का मेजरमेंट ले रहे हैं, 5 फीट का साइज है, ऑलमोस्ट 60 इंच का है। और इसकी अब हाइट देखते हैं कितनी है। इंच का इसका हाइट है टोटल। हमारे पास यहाँ पे वॉलपेपर का रोल रखा है, अगर इसकी साइज देखें तो 3.5 फीट बाई 17 फीट का पूरा रोल है। इस रोल को हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, तो ये जो साइज निकली है उसके हिसाब से इसको हम कट करेंगे और बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों अगर प्लाई के ऊपर कुछ भी लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कलर के धब्बे लगे हुए हैं देखिए, तो इसको इस तरीके से आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये जो सरफेस है इसको आपको माइनर स्मूथ करना पड़ेगा, ताकि वॉलपेपर इंस्टॉल होने के बाद उसके ऊपर अलग अलग तरीके के खड्डे वगैरह ना दिखे। तो इसको नॉर्मली स्मूथ करना है प्लाई को। दोस्तों अगर बीज में प्लाई है और इसके अंदर खड्डे वगैरह है, देखिए इस तरीके से खड्डे है, तो उसको आपको लापी से भरना पड़ेगा। देखिए इस तरीके की लापी आती है, इसको इस तरीके से आप फील करना पड़ेगा, ताकि जो बीज का पार्ट है जो यहाँ पे जिसके ऊपर हम वॉलपेपर इंस्टॉल करने वाले हैं वो सरफेस है वो प्रॉपर सीधी हो जाए, फ्लैट सरफेस चाहिए। अगर खड्डे वगैरह पड़ते हैं तो वॉलपेपर का जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं आता है। तो लापी को आप यूज़ कर सकते हो अगर प्लाई के अंदर खड्डे वगैरह है तो। तो सबसे पहले हम वॉलपेपर को 92 इंच में कट कर रहे हैं। दोस्तों टीवी यूनिट की जो लेंथ थी वो थी 60 इंच की, और यहाँ पे जो हमारे पास रोल है उसकी जो लेंथ है वो है 42 इंच की। तो दो रोल कट करके साइड में रखते हैं और दोनों की जो डिज़ाइन है वो मैच करनी पड़ती है सबसे पहले। डिज़ाइन मैच करने के बाद जो एडिशनल हिस्सा था उसको कट कर रहे हैं। देखिए ये प्रॉपर डिज़ाइन मैच हो गई है। देखिए ये जब इंस्टॉल होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि दो रोल पास पास में लगाए हुए हैं। इसकी जो डिज़ाइन है वो मार्बल डिज़ाइन है, वॉलपेपर में मार्बल जैसा लुक लग रहा है इसका। दोस्तों दो कट करने के बाद यहाँ पे नंबर दे देते हैं। सबसे पहला जो था यहाँ पे 1 नंबर लिखते हैं और जो दूसरा वाला है इसके अंदर 2 लिखते हैं। तो जब इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो पता चले कौन सा हिस्सा कहाँ पर लगाना है। दोस्तों ये गम है जिसको पेस्टिंग भी कह सकते हो, इसको वॉलपेपर में बैक के साइड लगाते हैं इसको चिपकाने के लिए। या आमतौर पे एक पाउडर आता है, पाउडर और फेविकोल दोनों का मिक्सिंग होता है और उसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो ये मटेरियल बन जाता है।